सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर भी टच कीजिए, और ये एकदम फ्री है और इससे आपको हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले मिलती रहेंगी और आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन जॉब वर्क चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमने अपने उन दोस्तों और उन भाइयों के लिए बनाई है या बहनों के लिए बनाई है जो बेरोजगार हैं, जी हाँ, अनएम्प्लॉय हैं और अपने लिए एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी आज जॉब मिलना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी वीडियो के अंदर बीच बीच में इसी तरह की न्यूज़ लाते रहें। तो दोस्तों, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो उन्होंने जॉब्स निकाली हैं, भर्तियाँ निकाली हुई हैं स्टेनोग्राफर और LDC के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर 173 पोस्ट हैं जिसकी लास्ट डेट 25 सितंबर 2017 है दोस्तों, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, या जिसकी मैक्सिमम एज 27 साल तक है। स्टेनोग्राफर के में 95 पोस्ट हैं जिसकी सैलरी लगभग आपको बनेगी 30 से 32 हज़ार, और LDC की 78 पोस्ट हैं जिसकी सैलरी लगभग आपको बनेगी 24 से 25 हज़ार एज़ पर 7 CPC जो पे ग्रेड कमीशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए कम से कम, और 80 वर्ड पर मिनट हिंदी या इंग्लिश के अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए, और LDC के लिए आप 10th या 12th पास किसी भी बोर्ड से, और उसके साथ साथ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये LDC के लिए एलिजिबिलिटी है जो रिटर्न के बाद हो सकता है। वैसे तो टेस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी स्पीड इतनी मांगी गई है। और जो फीस की बात कर लेते हैं, तो अनरिजर्व और OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए 200 रुपये फीस लगेगी, लेकिन जो SC ST की कैटेगरी में और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ की इसकी सीधी साइट पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, www.asrb.org.in पर आप जाइए, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर नहीं भेजने, ऑनलाइन अप्लाई करने से ही आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी। जैसे ही आप इस साइट पर जाकर जाएंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर नीचे दो जगह अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और LDC के लिए, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस योजना का फ़ायदा उठा सकें, और हम आशा करते हैं कि आपको जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब मिले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई इस तरह की जॉब डिटेल्स और नई नई वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लाते रहें और आपको जल्द से जल्द मिलती रहे, और ये फ्री भी होती है दोस्तों। तो थैंक यू।